नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स नॉलेज। तो गाइस, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उनका हेड कोच रॉबर्ट जानी और उनका कोचिंग स्टाफ को फाइनली शेक कर दिया है। उसके साथ साथ उनका असिस्टेंट हेड कोच खालिद जामिल के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का थॉट्स क्या है, तो कई सारे बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले सीजन में एज ए हेड कोच एल्को सटोरी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को पहली बार आईएसएल का प्लेऑफ्स तक पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उनको रिलीज कर दिया और उनकी जगह एज ए हेड कोच रॉबर्ट जानी को अपने टीम में शामिल किया। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ उन्होंने पहले 6 मैच में अच्छा काम भी किया था, लेकिन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कुछ खास नहीं कर पाए, जिसका एक बड़ा रीजन था भाई उनका कोचिंग मैनेजमेंट। तो भाई, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अब फाइनली उनका हेड कोच रॉबर्ट जानी को शेक कर दिया है, और मैनेजमेंट के दौरान किए गए गलती और टीम का रिसेंट परफॉर्मेंस को देखकर ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने यह फैसला लिया है। और आप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एक परफेक्ट हेड कोच भी ढूंढ रहा है, और जब तक उनको एक वियाबल रिप्लेसमेंट ना मिल जाए तब तक के लिए उनका असिस्टेंट मैनेजर खालिद जामिल हेड कोच का रोल निभाएगा। तो ऐसा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि रॉबर्ट जानी को उन्होंने शेक कर दिया है और उनकी जगह एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है। और जब तक उनको एक वियाबल रिप्लेसमेंट ना मिल जाए तब तक के लिए खालिद जामिल टीम का हेड कोच रहने वाले है। तो भाई, मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि रॉबर्ट जानी से अच्छा खालिद जामिल टीम को कोचिंग करवाएगा, क्योंकि भाई खालिद जामिल ईस्ट बंगाल के साथ भी ऐसे हेड कोच बहुत ही बेहतरीन काम किया था, और उनके अंडर में ईस्ट बंगाल भी आई लीग में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो आप देखते हैं कि खालिद जामिल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को कैसे मैनेज करते हैं। तो इसके बारे में आपका राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताना। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मैं छोटा छोटा अपडेट पोस्ट करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।